Hello everyone, now let's draw the minimal DFA for the following language, right? First question is binary number divisible by 2. Yes, तो इस पर हम कुछ draw नहीं कर रहे हैं, explanation नहीं कर रहे हैं, shortcut method देख रहे हैं कैसे solve कर रहे हैं. इसके previous video में हम लोगों ने same question लिया था binary number divisible by 3. Yes, binary number divisible by 3 का इसमें हम लोगों ने decimal number लिया था, इसका diagram बनाया था. इस video में क्या कर रहा हूँ, direct method से ट्रिक से हम इस टेबल की एंट्री ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ और टेबल से फिर हम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम देखेंगे यही वाला डायग्राम बनेगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो ये तीन चार चार क्वेश्चन हैं, चारों को एक इसी में कंप्लीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई 2. वेरी द ड्रॉ कलर कौन सा लूँ, वाइट कलर. ठीक है, तो बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 2. तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, बाइनरी नंबर का मतलब एक ऐसा लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज ना, तो बाइनरी लैंग्वेज का मतलब कौन से नंबर्स, कौन से सिंबल्स आएंगे, 0, 1. इसका मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग बनेगी वो 0 से 1 से मिलकर बनेगी. इसका मतलब कि वो 0, 1 एक अल्फ़ाबेट हो गया, और अल्फ़ाबेट का मतलब सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 0, 1. ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अभी डिविजिबल बाय 2 वाले भी प्रॉब्लम हो जाती है. अभी इसमें टर्नरी नंबर और 5 में, तो टर्नरी नंबर में बच्चे इनपुट सिंबल क्या लेते हैं और स्टेट क्या लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको. तो बाइनरी नंबर का मतलब 0, 1, यानी कि हम ट्रांजिशन जो करेंगे वो 0, 1 पे करेंगे. ठीक, अच्छा, नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 2 का मतलब, यस, किसी भी नंबर में अगर डिविजिबल बाई 2 करेंगे तो हमेशा स्टेट क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो रिमाइंडर 0 के लिए हम क्यू नॉट बोल रहे थे और रिमाइंडर 1 के लिए Q1 बोल रहे थे, तो हमने क्यू नॉट ले लिया और यहाँ पे Q1 ले लिया. ध्यान दीजिएगा, डिविजिबल बाई 2 का मतलब दो स्टेट्स. ठीक, अच्छा सर, इसमें फाइनल स्टेट कौन होगा, तो याद रखिएगा, अगर डिविजिबल बाई 2 का मतलब बाइनरी नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, तो 0 वाले को स्टार्टिंग स्टेट तो हमेशा स्टार्टिंग 0 होगा, फाइनल स्टेट भी इसी को बनाएंगे. कब, जब बाइनरी नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0 या बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई 2 आ जाता है, तो 0 इसका मतलब 0. अगर यहाँ 1 होता, जैसे भी प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ 1 होता तो हम Q1 को फाइनल स्टेट बना देते, बट यहाँ पे ऐसे ही चलेगा. ठीक, चलो डन, बस ये मेरा दोनों साइड हो गया, क्यू नॉट Q1 हो गया और ये 0, 1 हो गया. अब देखिए टेबल कैसे फिल करेंगे, नो डाउट, सिंपल, आइज बंद करिए, आँख बंद करिए, शुरू करिए, Q0 Q1, ये Q0 Q1 क्या, दो ही स्टेट है ना, तो Q0 Q1 साइक्लिक परमुट, साइक्लिक ऐसे चलती जाएगी, Q0 Q1 Q0 Q1, अगर Q, अभी आगे देखते हैं, Q0 Q1 Q2 Q3 होता तो. चलिए सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा. बाइनरी नंबर का मतलब सिग्मा के मतलब 0, 1, तो 0, 1 ये हो गया. डिविजिबल बाई 3 का मतलब बताइएगा, डिविजिबल बाई 3 का मतलब कितने स्टेट्स, किसी भी नंबर में 3 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा. इसका मतलब कि 3 स्टेट्स हो गए मेरे पास, तो फर्स्ट स्टेट Q0, Q1 और Q2, और आपको पता है स्टार्टिंग स्टेट को ही मुझे Q0 को स्टार्टिंग स्टेट्स. अब बताइए फाइनल स्टेट कौन कर बनाना है, फाइनल स्टेट को बनाएंगे, बताइए, वीडियो पॉज करिए. यस, डिविजिबल, अगर मैं बाइनरी नंबर मॉड 3 इज इक्वल टू 0 बोलता तो 0 वाले को फाइनल बनाते, बाइनरी नंबर मॉड 3 इज इक्वल टू 1 बोलते तो 1 वाले को फाइनल बनाते. डिविजिबल बाई 3 का मतलब इसी को फाइनल स्टेट बना दिया. अब किसे फिलिंग करेंगे, नो प्रॉब्लम, Q0 Q1, अच्छा कहाँ तक, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, सिंपल, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, डन. सर इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, तो ट्रांजिशन डायग्राम के लिए बना के देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे आते हैं, जल्दी से ये भी कर लेंगे. तो देखो बेटा, कभी भी ट्रांजिशन टेबल जब दिया जाएगा तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिंपल, इसका कलर चेंज करता हूँ. तो इस टेबल में देखिए कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले कि 3 स्टेट्स आप बना लीजिए, एक स्टेट ये हो गया, दूसरा स्टेट ये हो गया, तीसरा स्टेट ये हो गया, 3 स्टेट हो गए ये, 1, 2, 3. इसका नाम दे दीजिएगा Q0, इसका नाम दीजिएगा Q1, इसका नाम दीजिएगा Q2, और स्टार्टिंग स्टेट, अभी बताइए फाइनल स्टेट कौन है, Q0, तो इसी को Q0 को हम क्या बना देते हैं, फाइनल स्टेट्स.
डन। नाउ अब इसका मूवमेंट ट्रांजिशन टेबल से डायग्राम बना रहा हूँ, क्यू नॉट ऑन जीरो, क्यू नॉट ऑन जीरो कहाँ पे जा रहा हूँ, क्यू नॉट पे, इसका मतलब सेल्फ लूप हो रहा है, ठीक। क्यू नॉट ऑन वन, इधर देखिएगा क्यू नॉट ऑन वन, कर्सर को देखिएगा, पॉइंटर को, क्यू नॉट ऑन वन क्यू वन, तो क्यू नॉट ऑन वन कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे जा रहे हैं। अब आ जाइए क्यू वन ऑन जीरो क्यू टू, क्यू वन ऑन जीरो क्यू टू पे चले गए, ठीक। क्यू वन ऑन वन क्यू वन, क्यू वन ऑन वन क्यू नॉट पे आ गए, तो क्यू वन ऑन वन क्यू नॉट पे आ गए। क्यू टू ऑन जीरो क्यू वन पे आ गए, क्यू टू ऑन जीरो क्यू वन पे आ गए, और क्यू टू ऑन वन क्यू टू पे आ गए। ये मेरा डायग्राम बन गया, कंप्लीट मॉडल। अब मैं क्या करूँ, एक बार वेरीफाई करूँ जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ये देखिएगा सेम डायग्राम, ये यस देख रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, सेल्फ लूप वन जीरो वन जीरो वन, सिंपल। तो ये हम लोग डिटेल में देखे थे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे थे, और ये हमारा शॉर्टकट से हमारा फाइनल आएगा, मीन्स आउटपुट मेरा सेम वैसे ही आएगा, ठीक। अब चलिए इसी तरह इसकी एंट्री फिल कर लेते हैं जल्दी से, टाइम भी हो रहा है, चलो। हाँ बिल्कुल, अब बताओ बेटा टर्नरी नंबर, टर्नरी नंबर का मतलब व्हाट मीन टर्नरी नंबर, मीन्स टर्नरी नंबर में क्या होते हैं, नंबर 0 1 2 होते हैं, इसका मतलब ये सिग्मा की वैल्यू 0,1,2 हो गई, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मेरा इनपुट सिंबल 0,1,2 होगा। नाउ टेल मी डिविजिबल बाई 2, वीडियो पॉज करिए और बताइए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे। डिविजिबल बाई 2 का मतलब या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका मतलब मेरे पास क्यू नॉट और क्यू वन। सर इसमें फाइनल स्टार्टिंग स्टेट कौन होगा, नो डाउट क्यू वन होगा। फाइनल स्टेट कौन होगा, डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, 0 का मतलब क्यू 0 वाले को फाइनल स्टेट। अब एंट्री कैसे फिल करेंगे इसका, ऐसे क्यू 0 क्यू 1 क्यू 0 क्यू 1 क्यू 0 क्यू 1 क्यू 0 क्यू 1, सिंपल। क्यू 0 क्यू 1 क्यू 0 क्यू 1 क्यू 0 क्यू 1, डन हो गया। नेक्स्ट अब इस पर आ जाइए जल्दी से देखते हैं। टर्नरी नंबर मतलब सर अल्फ़ाबेट की वैल्यू 0,1,2, इसका मतलब टर्नरी नंबर है तो 0,1,2 होगा। डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर 5 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 5 पे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने स्टेट्स, 5 स्टेट्स, कौन कौन, क्यू नॉट से शुरू करिएगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और क्यू फोर। सर इसमें स्टार्टिंग स्टेट कौन होगा, नो डाउट। सर फाइनल स्टेट कौन होगा, डिविजिबल बाई 5 है, तो डिविजिबल 5 का मतलब मॉड 0, तो 0 वाले को इस फाइनल स्टेट बना दिया। अगर मॉड 5 इज इक्वल टू 1 होता तो 1 को फाइनल स्टेट बनाते। अच्छा इनपुट सिंबल कौन कौन से हैं, 0,1,2 है। सर एंट्री कैसे करेंगे, 0 क्यू 0 क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4, 4 तक खत्म हो गया ना, क्यू 0 क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4, फिर क्यू 0 क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4, क्यू 0 क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4, डन सिंपल। तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, डन। फिर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, फिर क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, सिंपल सिंपल। स्कैनर करते चले जाएंगे सिंपल। अब क्वेश्चन आता है सर इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे, यस ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे। 5 स्टेट्स दे लीजिएगा और क्यू नॉट ऑन जीरो, क्यू नॉट पे चले जाइएगा, सेल्फ लूप कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे मूव करके एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम थोड़ा बनेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बट सिंपल होगा। इतना क्लियर हो गया, नाउ अभी भी थोड़ा टाइम है। चलिए मान लीजिए सपोज करिए अगर क्वेश्चन आता, इसमें और कुछ बता सकते हैं क्या, हाँ इसमें भी अगर पूछा जाए, अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने, अरे नंबर ऑफ स्टेट्स तो बहुत आसान है। अगर पूछा जाए बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 2 कितने स्टेट्स होंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था, अच्छा यस इसके पहले एक वीडियो में देखा था आपने कि कौन सा था वो, यस राइट साइड है ना, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 1, तो उसमें भी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से देखा था, टेबल बनाया था और टेबल से फिर आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो उस वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 1 था, तो उसमें भी हम लोगों ने टेबल बनाया था, उसमें भी नंबर ऑफ स्टेट्स निकाले थे, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कंपटीशन में कभी। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 2, तो कुछ मत करिएगा, सीधे ये 2 पे जाइएगा, कौन सा नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 0 1 2 स्टेट्स,
5 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 5 स्टेट्स, सिंपल नंबर ऑफ स्टेट्स पता चल गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आगे वाले वीडियो में कुछ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, कंपाउंड डीएफए बनाएंगे। कंपाउंड का मतलब दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक डीएफए बनाएंगे। नहीं समझे? दो तीन डीएफए को, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि डिजाइन अ मिनिमल डीएफए, देन डिजाइन अ मिनिमल डीएफए इन विच ईच स्ट्रिंग थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज वन एंड एंड दैट स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय फोर, मतलब ये कंपाउंड डीएफए बोलते हैं इसको। मतलब दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक डीएफए बनाएंगे, तो वो आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है, जल्दी कवर करेंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी बहुत ईजी है। तो चलिए, ये हो गया मेरा किसका, ये, अच्छा ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई, ये किसी नंबर को हमने क्या किया, डिविजिबल किया। एक बार और देख लूँ, सपोज करिए 10101 होता, ठीक है, इस वाले नंबर को हमने क्या कर लिया, बाइनरी नंबर मॉड 3 चेक कर लिया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 3 के लिए डीएफए बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाई 3 का होगा। तो तीनों तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कभी भी आएंगे तो आप कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाई 3, तो केवल 3 नहीं, 5 हो 7। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी मेरे माइंड में आ रहा है, सर अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर डिविजिबल बाई 5 होता तो क्या होता? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डेसिमल नंबर डिविजिबल, रुको यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, डेसिमल डिविजिबल बाई 5, तो डेसिमल का नंबर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और स्टेट्स क्या होंगे, 5 है ना, तो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, डन, स्टार्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट। फिलिंग कैसे करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q0 Q1, बस एंट्री कर देंगे, डन हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। स्टिल इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके।